हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक चीज़ हम आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, पर्पल पर लगी है सेल। प्रोडक्ट्स हैं ये और इसमें आपको सेल मिल जाएगी। पहले आपको पर्पल खोलना है, फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हम, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा मेबलिन स्काई हाई, इसको आपको ओपन करना है। इसमें आपको कॉम्बोस पे जाना है। फर्स्ट कॉम्बो है आपका, देखिए 1797 का। दूसरा कॉम्बो है 724 का। तीसरा है 306 का। चौथा है 411 का। इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। अब नीचे देखते हैं, 576 का है कॉम्बो, एक 550 का है कॉम्बो, और एक ये नीचे वाला है 1897 का। तो जिसको जिसको परचेज करना है जल्दी से परचेज कर लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। सबसे पहले हम अपने आईब्रो को फिल कर लेंगे। जो मुझे पर्सनली आईब्रो पेंसिल मेरी फेवरेट है वो मार्स की है, तो हम उसी को अभी यूज़ कर रहे हैं। इसको हम छोटे छोटे स्ट्रोक से फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसी तरीके से फिल करते हैं, आप जिस तरीके से करते हैं उस ढंग से आप कर लीजिएगा। ये देखिए, अब हम इस पुली की हेल्प से इसको कॉम कर लेंगे शेप परफेक्ट आने के लिए। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पहले हम कॉम कर रहे हैं और हम ऊपर से हल्का सा इसको कॉम कर देंगे इस तरीके से। आईब्रो हमारी अब फिल हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये कंसीलर है, कंसीलर को हम अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। ये हमने कंसीलर का ब्रश लिया। अब हम फ्लैट ब्रश लेंगे। फ्लैट ब्रश ले रहे हैं हम, ये हमने डायरेक्ट फ्लैट ब्रश में ले लिया। इससे कंसीलर की लाइन बहुत अच्छी आती है और आईब्रोज़ का हमारा शेप बहुत परफेक्ट आता है। तो हम इस तरीके से इसको कंसीलर को अप्लाई कर रहे हैं हल्के हल्के स्ट्रोक से। ऊपर भी हम ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे और इसको साइड मिला के जॉइन कर देंगे। फिर हम इसको बीच से भी कंसील करेंगे। हम एक आई का मेकअप दिखा रहे हैं, इस वजह से हम एक ही आँख पर पूरा मेकअप यूज़ करेंगे। अब हम नीचे भी इसको कंसील कर लेंगे इस तरीके से। बस आपको याद रखिएगा कि ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है कंसीलर। अब जो लेफ्ट ओवर था हम नीचे लगा लेंगे इस तरीके से, और हम अब इसको ब्लेंड कर रहे हैं हल्के हल्के हाथों से इस तरह से। ये हमारा कंसीलर, और हमने थोड़ा सा नीचे लेके अप्लाई किया। कंसीलर हम थोड़ा ज़्यादा इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे आई शेडोज अच्छे से अपने शेड्स दे पाएँ। अब हम कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आई मेकअप में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो भी मेकअप आप यूज़ कर रहे हैं बस उसको ब्लेंड आपको अच्छे से करना है इस तरह से। जहाँ पे हमें लेफ़्ट ओवर लगेगा वहाँ पे हम उसको फिल कर देंगे इस तरीके से। इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, इस वजह से कि हमारा कुछ भी अगर ब्लेंड नहीं हुआ है तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इक्वल हो जाए। ये देखिए, इस ढंग से हम डैबिंग मोशन में इसको
ब्लेंड कर लेंगे, ऊपर की तरफ भी इसको ब्लेंड कर लेंगे, हम ऊपर की तरफ भी इसको ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें कॉम्पैक्ट नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आपको आगे पता चलेगा कि हमने क्यों कहा है कि कॉम्पैक्ट अप्लाई नहीं करना है अभी आपको, ठीक है। तो ये अब हो गया हमारा ब्लेंड। अब हम क्या करेंगे, टेप लेंगे और उसको पतली पतली दो स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। हमने पहले से कट करके रख लिया था, आप इस तरीके से अभी हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। ये हमने निकाल लिया, अब हम इसको दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से आपको कट करना है, इस तरीके से कट करना है, टू पीसेस में कट करना है, इतना ही बड़ा कट करना है, एक छोटा और एक बड़ा कट करना है। अभी तो हमने दोनों इक्वल कट करे थे क्योंकि साइज़ हमें सही पता नहीं था, और इस ढंग से इसको मिडिल फिंगर की हेल्प से पहले आई के कॉर्नर पर रखना है और हल्के से हाथों से ऊपर की तरफ ले जा के बस पेस्ट कर देना है। देखिए ये एक बार में लग गया, कितनी अच्छी ट्रिक है। अगर आपको परेशानी होती है आई शेडोज़ लगाने में तो आप इस तरीके से इसको पेस्ट करके, ईजीएस्ट तरीका है आई शेडोज़ अप्लाई करने का। अगर आप मेकअप में इतने अच्छे नहीं हैं तो आप इस तरीके से अप्लाई करिएगा। अब हमें सेकेंड टेप नीचे से लेके हल्की सी स्पेस छोड़ के इसको इसमें जॉइन कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा लेफ्ट ओवर है इस तरीके से हमने ये जॉइन कर दिया। अब ये हमारा लेफ्ट ओवर है, अब हम इसको सीजर्स की हेल्प से ऊपर का कट कर देंगे। ध्यान से कट करिएगा, कहीं अपनी स्किन को ही ना काट लें आप, ऐसे करेंगे नहीं आप ऐसा, लेकिन फिर भी ध्यान से करिएगा। तो हमने फेस पाउडर इसीलिए अप्लाई नहीं किया है, कॉम्पैक्ट इसीलिए नहीं अप्लाई किया है कि अगर हम कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेते तो वो सही से स्टिक नहीं होता। अब चलिए अपने आई शेडोज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है थर्ड रो में येलो, जेंटल है ये आर कलर पैलेट है ये हमने यूनिक येलो शेड लिया है। अब हम इसको अपने फ्लैट ब्रश पे, आई शेडो ब्रश पे ले रहे हैं और हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब इस ढंग से, मतलब आपको बिल्कुल कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपके आई शेडोज बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और आपका शेप भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से, अगर नीचे हल्का हल्का जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसको जाने दें। इस ढंग से आपको येलो लगाना है, इतनी स्पेस छोड़ के, देख लीजिए आप कि कितनी स्पेस छोड़नी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एसटीआर कलर्स की पैलेट ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके शेड्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, तो इस तरीके से हमने अप्लाई कर लिया। अब हम अपना सेकंड शेड लेते हैं, लास्ट रो में फोर्थ शेड है ये यूनिक्यू ब्लू शेड है ये, इसको हमें अब लेना है और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे अपने ब्रश पे ले लिया, दूसरा ब्रश लिया है ये, हमने येलो जिसमें लिया था वो ब्रश नहीं लिया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, येलो के बिल्कुल पास नहीं हमें इसको अप्लाई करना है, इतनी स्पेस छोड़ गई, मतलब हाफ में हमारे दो ये शेड आ गए येलो और ब्लू। इसको हमें अच्छे से बस डैब डैब करना है, वीडियो में कोई भी कलर नहीं करना है, बस कलर डैब करके देंगे इसको अप्लाई करना है। फुल रिव्यू। ये अब हम फिफ्थ रो में ब्लू अप्लाई कर लिया, फिफ्थ ये फिफ्थ जा रहे हैं, ये फार्म शेड है, अब हम वो अप्लाई करेंगे। ये आपको सही इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन ये पर्पल शेड है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको अपने ब्रश पे लेंगे
और हम इसको अब अप्लाई करेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे। ये हमें आई शेडोज़ पे फूंक मारनी पड़ रही है इसलिए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ ज़्यादा डस्टी डस्टी क्यों हो रहे हैं। हम इसका रिव्यू आपको पूरा देंगे कि ये कैसे आई शेडोज़ हैं और अफोर्डेबल हैं या नहीं हैं। तो हमने ये कॉर्नर पे लगा लिया। अब हम चलते हैं फिफ्थ रो में, लास्ट शेड है ये, चाइना शेड है, पिंक शेड है ये। इसको अब हमें जो स्पेस बची हुई है वहाँ पे फिल कर देना है। ये देखिए आप इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे। ये देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमने शेड लिया था, येलो जो शेड था जो हमने कॉर्नर पर अप्लाई किया था, उसको अपनी वाटर लाइन के नीचे फिल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरह से फिल कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला टेप जो है वो हम रिमूव करेंगे इस ढंग से। ये हमने ऊपर वाला टेप निकाल दिया। अब आप देखिए कितना अच्छा। अब हम ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और हल्के से बस इसको ब्लेंड कर देंगे। आपको आई शेडोज़ के ऊपर ब्लेंड नहीं करना है, बस हल्का सा जहाँ पे आपने टेप लगाया था वहाँ पे ब्लेंड करेंगे। अब हम अपना बनाना लूज पाउडर लेंगे, आपके पास कॉम्पैक्ट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब हम इसको लॉक कर देंगे बनाना लूज पाउडर से। ये हमने सब तरफ कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है इस तरह से। अब हम लाइनर लेंगे, गोल्डन लाइनर है ये। अब हम ये लाइनर लेंगे और जहाँ पे हमने टेप अप्लाई किया था हम वहाँ पे लाइनर अप्लाई करेंगे। गोल्डन लाइनर है ये हम इस तरीके से लाइनर अप्लाई कर लेंगे इस ढंग से, इस तरह। अब हम पहले ऊपर का ड्राई होने देंगे फिर हम नीचे अप्लाई करेंगे। अब हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं, पहले ऊपर का ड्राई कर लीजिएगा उसके बाद ही नीचे अप्लाई करिएगा, वरना पूरे आई शेडोज़ आपके ख़राब हो जाएंगे। ये अब हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए आप, अब हम अपनी वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करेंगे। ये हमने काजल लिया, अब ये काजल हम फिल कर रहे हैं जहाँ हमने आई शेडो येलो यूज़ किया था नीचे, बस उसी के ऊपर हमें काजल अप्लाई करना है। ये हमारा काजल अप्लाई हो गया है। अब हम नीचे वाले टेप को रिमूव कर सकते हैं। ये हमने इसको रिमूव कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा आई शेड आया है। अब हम साइड में टेप लगाने से कुछ भी कंसीलर वगैरह हट जाता है, तो उसको हल्का सा कंसीलर जो ब्रश में आपके लेफ्ट ओवर हो उससे आपको फिल कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हाइलाइटर लेंगे और आई के कॉर्नर पर हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया हल्के हल्के से, ये इस तरीके से। अब जो भी लेफ़्ट ओवर हो ब्रश में उसको आप ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से। ये बिगनर्स के लिए है और इजी वे में है, इस वजह से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमें मिस रोज़ की पैलेट में से, मिस रोज़ की रिस्के शेड है ये, इसको बस हमें ब्लेंडिंग ब्रश में लेना है और हल्का हल्का सा जैसे हम ब्लेंड करते हैं उस तरीके से बस हमें इसको अप्लाई कर देना है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, ये बहुत ही इजी वे है अगर जिनको मेकअप नहीं आता है तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखिए अब आप,
कितना अच्छा मेकअप हुआ है ये। ये देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा है मेकअप हुआ है ये। ये देखिए अब हम मस्करा अप्लाई करेंगे। ये हमने मस्करा लिया, अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है, फिर नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लेने हैं और फिर ऊपर की तरफ लगाना है जैसे हम लगाते हैं इस तरीके से। अच्छे से आपको भर भर के मस्करा लगाना है ताकि आपका लुक और ज़्यादा अच्छा लगे। अब हम इसको नीचे अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आपको फॉल्स आईलैशेस लगानी हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। पहले हमने ऐसे ही दिखाया है, फिर हमने फॉल्स आईलैशेस लगा के दिखाया है। ये देखिए अब हमारा लुक कंप्लीट हो गया है। ये मस्करा लगा के है, अब हम यहाँ पे आईलैश लगा के दिखा रहे हैं आपको। ये हमने आईलैश लगा ली है, ये देखिए आप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल सिद्दीकी शाला 96। आपको नीचे दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शाला सिद्दीकी। तब तक के लिए बाय।